एसओजीवार थाना सदर बाजार पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई। सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। सट्टे की खाईबाड़ी करते हुए 8 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, जिनके कब्जे से अवैध असलाह सहित भारी मात्रा में नकदी, रजिस्टर, मोबाइल, सट्टा पर्ची आदि बरामद हुआ। आपको बताते चले कि 13 नवंबर को थाना सदर बाजार पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र, शांति व्यवस्था, तलाश वांछित, पेंडिंग विवेचना, जांच एहकाम में थाना क्षेत्र में मामूल थे। तब इस एसओजी प्रभारी उप निदेशक रोहित कुमार मैं हमराह फोर्स के साथ आकर सूचना दी। खुर्शीद पुत्र शाबिर निवासी चौकाला था, थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर के घर सट्टे की खाड़ीवाड़ी हो रही। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त खुर्शीद के मकान पर दबिश दी गई, तो मौके से सट्टे की खाड़ीवाड़ी करते हुए 8 गिरफ्तार हुए, जिनके पास से 8 अदद सट्टा रजिस्टर, 96 सट्टा पर्ची, 3 कैलकुलेटर, 10 डॉट पेन, 12 अदद मोबाइल एवं कुल 29,460 सट्टे से बरामद व एक अदद तमंचा, 12 बोर व 2 जिंदा कारतूस, 12 बोर मौके से बरामद हुई है। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, शाहजहांपुर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है अपराधियों के खिलाफ, इसमें सदर बाजार और एसओजी टीम को क्या सफलता मिली है? शाहजहांपुर में सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई बहुत प्रारंभ से चल रही है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा माफिया था, इसका बेदी, उसको गैंगस्टर के अंतर्गत जेल भेजा जा चुका है। उसके जेल जाने के बाद कुछ अन्य प्रकाश में आए हैं जो सट्टे की खाईबाड़ी करने लगे हैं। इसमें सूचना के आधार पर खुर्शीद के घर पर दबिश दी गई थी, तो वहाँ 8 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं जो सट्टे की खाईबाड़ी कर रहे थे। इनके पास से 12 मोबाइल, एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है, रजिस्टर, पेन वगैरह भी बरामद हुआ है। इनके पास से 29,460 रुपये भी बरामद हुए हैं। ये सारी बरामदगी के बाद इनको गिरफ्तार करके इनके पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अखंड भारत न्यूज के लिए अरविंद सक्सेना की रिपोर्ट, साझा।